गुस्सा, तनाव और टेंशन कैसे काबू में रखे या कैसे कंट्रोल करे और बच्चों को कैसे सिखाए ये कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। महाराष्ट्र में पुणे, अकोला और मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे पेरेंट्स आते रहते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें गुस्सा आता है, बच्चों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, बच्चों में काफ़ी सारी चीज़ें हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं कर रहे हैं और फिर मैं रिएक्ट करता हूँ, कभी कभी बच्चे को मार भी देता हूँ। देखिए गुस्सा जो है ना, गुस्से से हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, एक्चुअली वो कमज़ोर बनती है। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक शक्ति, प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है जब हम गुस्सा करते हैं। तो हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव होती है जब गुस्सा करते हैं। तो एड्रेनलिन सिक्रीशन, एड्रेनलिन ग्लैंड जो है वो एड्रेनलिन सिक्रीशन पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, जिससे फिर हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का संभव ज़्यादा होता है, हमारी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। स्पेशली बच्चों को लगता है कि गुस्से वाले हमारे पिताजी हैं, पता नहीं कब गुस्सा करेंगे, कब क्या करेंगे, मार भी देंगे। और बच्चा अपने पेरेंट्स से सीखता है और आगे चल के वो भी गुस्से वाला बनता है। तभी इसके लिए करना क्या है, नंबर एक, जो सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है वहां से आप निकल जाओ, बाजू हो जाओ, ताकि फिर कुछ समय बाद में आपका जब दिमाग शांत हो जाएगा तो आप उसको शांत दिमाग से उस सिचुएशन को टैकल कर सकेंगे। नंबर दो, जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक बदल डालो, बोलना इसके ऊपर अपना मतभेद हो रहा है या ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अभी ये बाजू रखेंगे और बाद में इसके बारे में बात करेंगे, मुझे गुस्सा आ रहा है और हम बाद में बात करेंगे। नंबर तीन, रिएक्ट मत करो या तुरंत जवाब मत दो, थोड़ी गैप क्रिएट करो। कोई कुछ करता है, हमारा क्या होता है, गुस्सा गुस्सा है एक्चुअली रिएक्शन होती है, फटाक से एकदम रिएक्शन कर देंगे। कोई कुछ बोलता है, कोई इवेंट होता है, उस समय कुछ क्षणों में मैं अपने आप से कुछ तो भी बात करता हूँ और फटाक से रिएक्शन कर देता हूँ। तो रिएक्ट नहीं करने का, थोड़ा जो इवेंट हो रहा है उसको देख रहे हैं, जो भी हो रहा है उसको देखना है, देखना चालू करो जो भी हो रहा है उसको, और कुछ गैप क्रिएट करो और रेस्पॉन्ड करो। नंबर चार, रेगुलरली सेल्फ हिप्नोसिस करो, स्वयं सम्मोहन, आत्म सुझाव, सेल्फ अफर्मेशंस और दिमाग शांत रखना रेगुलरली कब उसकी प्रैक्टिस करो। नंबर पाँच, अच्छी नींद लो, 6 से 8 घंटे नींद कम से कम एक व्यक्ति को लगती है। तो अच्छी नींद यदि लिया तो अपनी हालत ठीक रहेगी, क्योंकि जो जिसकी नींद बराबर हुई नहीं रहती है, नींद कम हुई है, तो फिर वो दिन भर आदमी चिड़चिड़ा रहता है, थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर गुस्सा करते रहता है, इसलिए नींद अच्छी होना जरूरी है। और अच्छी नींद करना है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसको रात को 10 के बाद में गुड बाय करो, टाटा बाय बाय, देखना ही नहीं है। सिक्स, रेगुलर एक्सरसाइज करो। जब आप 40 मिनट, 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और अच्छे थक जाते हैं ना, तो रात को आपको अच्छी नींद आ जाएंगी। और वैसे ही एक्सरसाइज करने से फील गुड हार्मोन जो है अपने केमिकल्स, वो बहुत अच्छे सिक्रेट होते हैं, जिससे अपने को अच्छा भी लगता है दिन भर और रात को नींद भी आएंगी। नंबर सात, आप जो कंपनी में रहते हैं वो कंपनी गुस्से वाली नहीं होना। ऐसा बोला जाता है कि आपका स्वभाव जो है वो आपके आजू बाजू वाले जो 5 लोग हैं उसका एवरेज है। तो यदि आपके आजू बाजू वाले लोग गुस्से वाले होंगे तो क्या होता है कि धीरे धीरे अपने ऊपर भी वैसा असर हो जाता है और हम भी गुस्से वाले होते हैं, और हमको जस्टिफाई लगता है वो गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा करके कुछ लोगों को रिजल्ट मिलते हैं, हमको भी लगता है कि हमको रिजल्ट मिल जाएंगे और हम गुस्सा करना चालू कर देते हैं। नंबर आठ, शांति से जब आप मेडिटेट करते हो या शांति से बैठे हो, तब ये सोचना है कि गुस्सा मैं क्यों करता हूँ, गुस्सा कमजोर लोग करते, जो पावरफुल नहीं करते, तो मैं क्या कमजोर हूँ, मैंने क्यों गुस्सा करना चाहिए। क्योंकि गुस्सा कौन करता है, चिल्लाना चीखना गुस्सा कौन करेगा, कि जो बोल के कुछ नहीं कर सकता वो अपने इमोशंस बाहर डालेगा। तो मुझे चिल्लाना चीखना मारना पीटना ठोकना या गुस्सा करना जोर जोर से चिल्लाना, तो ये कब करना पड़ेगा, जब मेरी बोली मैं बोलने से मैं वो सॉल्व नहीं कर सकता हूँ शांति से। तो जब शांति से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या पावरफुल नहीं हूँ, तो मुझे पावर बतानी पड़ती है इतना गुस्सा करके, मैं पावरफुल बताना पड़ता है इतना गुस्सा करके कि सिर्फ बोलने से मैं शांति से बोल सकता हूँ कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो ये हमको रखना है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं पावरफुल इंसान हूँ, और वो खुद को बताना है कि मैं पावरफुल इंसान, कोई कमजोर नहीं हो, मैं पावरफुली बोल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। और नंबर 9, ये ख्याल में रखो कि भाई गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आप करते हो। तो बोलते नहीं नहीं गुस्सा आता है, नहीं आता नहीं गुस्सा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए कोई अथॉरिटी के सामने आप जाते हो, समझो आप सर्विस कर रहे हैं और आपके बॉस ने आपको बुलाया और उसने उल्टा पुल्टा आपको बोल दिया, आपको मालूम है कि उसने वैसा नहीं करना चाहिए था, मालूम है कि वो गलत है,
तभी भी उसने गुस्सा करने के बाद में या उसने कुछ आपको आर्दना बोलने के बाद में आप गुस्सा नहीं करोगे, आप चुपचाप नीचे डालोगे मुंडी और यस सर बोल के बाहर आओगे। आपको मालूम है कि ये गलत है, आपको गुस्सा आ रहा है, मगर आप गुस्सा वहां करेंगे नहीं। इसका मतलब आपका गुस्सा आपने कंट्रोल किया हुआ है। जब कोई अधिकारी कोई सामने है, तो बड़ा व्यक्ति सामने है, तो आप गुस्सा नहीं करोगे। इसका मतलब आपको गुस्सा आता नहीं, आप करते हो। आपको गुस्सा वहीं आता है जहां आप डोमिनेट कर सकते हैं, जहां आप सामने वाले को प्रेशर कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि मैं इसको दबा सकता हूं, वहां आपको गुस्सा आता है। तो हमने ये देखना है कि भाई मुझे किसी को डोमिनेट करने का नहीं है, गुस्सा मैं लाता हूं। तो पहले से यदि हम किसी से इंटरेक्शन करना चालू करते किसी से भी, तभी हम बोलते कि ठीक है, वो जैसा बोल रहा है वैसा मैं सुन लूंगा, शांति से सुन लूंगा, और कुछ खटाक से कुछ तो भी रिएक्शन दूंगा नहीं, गुस्सा करूंगा नहीं, मैं मेरा गुस्सा कंट्रोल में रखूंगा, तो गुस्सा कंट्रोल में हो सकता है। तो मेरे 9 टिप्स मैंने आपको दिए गुस्सा कंट्रोल करने के, अब ये टिप्स का वापर करो, बच्चों को भी ये सिखाओ, डेफिनेटली आपके बच्चे भी शांत स्वभाव के हो जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी पेरेंट्स को ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।